गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है, आंकड़े अब 100 के नीचे आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 45 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति और दो 54 और 65 वर्षीय महिलाओं की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,200 पहुँच गया है। इनमें से 18,330 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 309 है। वहीं ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 561 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठंड के मौसम में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आशंका बन रही है, ऐसे में लोगों ने को बताई गई सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार को मिले कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 7 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा रामगढ़ताल में 1, राजघाट और गोरखनाथ में 2-2 और कैंट थाना क्षेत्र में 5 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 22 नए मरीज मिले हैं। इनमें खजनी उरवा में 1-1, सहजनवा भटाट में 2-2, खोराबार में 7, चरगावा में 9 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 6 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।